स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप सभी का आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से हमारे सभी प्यारे छात्र यहां पे हमारे साथ आके जुड़ जाएंगे। एंड आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि मैडम साइंस की क्लास जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए जी, शुभारंभ हो चुका है अपनी साइंस की क्लासेस का। सभी बच्चे जितने भी हैं हमारे साथ आके जुड़ जाएंगे अपने सेशन में, जहाँ पे हम लोग SSC CHSL के इस बार हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि SSC CHSL के अंदर साइंस के कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके CGL मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो आपका SSC 10 का पेपर होने वाला SSC GD का पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। SSC को आप SSC मानिए, आप पेपर के हिसाब से मत देखिए कि नहीं नहीं मैम इसमें तो SSC CHSL लिखा है, हम तो CGL वाले हम नहीं करेंगे। नहीं, कई बार SSC आप लोगों का क्या करता है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ पे लिख, मतलब जो भी सब्जेक्ट है ना उसमें सेम क्वेश्चन वो GD में पूछ लेते हैं, सेम क्वेश्चन वो लोग आपका पूछ लेंगे CPO में, और सेम ही क्वेश्चन वो CGL में पूछ लेते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी एग्जाम के नाम पे नहीं जाना, आपको बस ये जाना है SSC ने पूछा है, मतलब अपने लिए क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बालक हैं क्या करेंगे, अपने आप अपनी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड टाइम भी नोट कर लीजिएगा कि अपनी ये जो SSC CHSL के लिए जो साइंस की क्लास चलेगी वो कब चलेगी। वो चलेगी रोज दोपहर 12 बजे। ठीक है, और अपने कौन से चैनल पे चलेगी, SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पे। तो हर बच्चे को यहाँ पे हमारे साथ आके जुड़ जाना है। ठीक है, अच्छा लवली मिश्रा स्वागत है बेटा आपका। चलिए जो तो जी जितने भी बालक हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और एक एक करके अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के लिए कि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्रावण के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, और वो जो अलग अलग अंग हैं सबके अपने अपने कुछ निश्चित कार्य हैं। इनमें से एक अंग है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अग्नाशय, जो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब ये जो अग्नाशय है, अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से बेटे, तो आप क्या देखेंगे कि मैडम ये जो हमारा अग्नाशय है ना, इस अग्नाशय की लोकेशन क्या है। तो आप कहेंगे कि मैडम हमारे आमाशय से थोड़ा नीचे, ये हमारा स्टमक है, स्टमक से थोड़ा सा नीचे और पीछे। ठीक है, और जो उसके साइड में छोटी आंत का भाग आ जाता है ड्यूओडेनम। ठीक है, ड्यूओडेनम, उस ड्यूओडेनम के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है बेटा, ये है एक आपकी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है मैडम, यहां से हार्मोन भी निकलेगा और यहां से आपका मिश्रित ग्रंथि है बेटे, मिक्स्ड ग्लैंड है, यहाँ से आपका हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम्स भी निकलेंगे। ठीक है, तो एंजाइम निकलते हैं पाचन करने वाले, पाचक रस है। ठीक है, और हार्मोन कौन से निकलते हैं, हार्मोन वो निकलेंगे जो क्या करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म में सहायक होंगे। अब कैसा मेटाबॉलिज्म बच्चे, देखो आपके ब्लड के अंदर होता है ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, शर्करा का एक रूप है। अब ये जो शर्करा का रूप है हमारे शरीर में, ये सेल को ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन अगर ये हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया गया ना, तो अपन लोगों को हो जाता है डायबिटीज मलाइटस। क्या हो जाता है, डायबिटीज मलाइटस। तो अब हमारे ब्लड के अंदर शर्करा ज्यादा हो गई, ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो हमको रोग हुआ डायबिटीज मलाइटस। लेकिन मैम इसने कैसे रोका हमको डायबिटीज मलाइटस होने से, तो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई अगर आपके घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है तो आप लोग क्या करते हो, आप उसको जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये रहा आपका ब्लड, ब्लड के अंदर है पैसे के नाम पे ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को आप करोगे इन्वेस्ट, कहाँ जाओगे, बैंक। बैंक का नाम है लीवर, और बैंक में करा दोगे इसकी FD। ठीक है, और FD का नाम है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज का क्या बन जाएगा बेटा, ग्लाइकोजन बन जाएगा, और वो आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया जो है
किसके माध्यम से होती है? तो ये इंसुलिन के माध्यम से होती है, ठीक है। इंसुलिन नामक एक हार्मोन है जो आपकी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया गया, जिसकी वजह से ग्लूकोज की एफटी हो गई ग्लाइकोजन के रूप में, और अब वो हमारे को बिना डायबिटीज करे हमारे शरीर में रह सकता है। भाई अगर हाथ में पैसा रहता है खर्च हो जाता ना, या चोरी होने का डर रहता, लेकिन अब तो एफटी करा दी, अब तो जो है वो पैसा बढ़ेगा ही, ठीक जी। तो कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, और इसी वजह से इंसुलिन के सिक्रीशन की कमी की वजह से इंसुलिन अगर कम निकले तो अपन लोगों को डायबिटीज मलाइटस हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा तो एक बार थम्स अप भेज देंगे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CHCl3? देखिए ये CHSL 2021 के क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL 2021 के क्वेश्चन है, जिनका पेपर जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 2022 में हुआ था। तो हम 2022 यानी कि लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो फटाफट से सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? क्या आंसर कर देंगे मैम? देखिए अगर मैं इसको देखो, इसका फॉर्मूला देखो, ये रहा कार्बन, इस कार्बन के आसपास आएंगे चार इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके साथ क्या होगा? इनके साथ हमने तीन क्लोरीन जोड़ दिए और तीन क्लोरीन के साथ हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये बन गया CHCl3। अगर मैं इसका नेम लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा मैम? तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, और ये क्या है? सिंगल कार्बन है, और हर एक कार्बन के साथ, मतलब कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा बेटा? ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाता है। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाता है। अच्छा, ट्राइक्लोरोमीथेन को ऐसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, इस इंसान को कुछ सुंघा दिया गया, ये गिर गया बेचारा, बेहोश हो गया, ठीक है। तो अब आप सोचो मूवीज के अंदर क्या सुंघाया जाता है लोगों को, आप क्या कह देंगे? मैम मूवीज के अंदर तो एक ही चीज सुंघाई जाती है और वो है क्लोरोफॉर्म। क्या सुंघाई जाती है? क्लोरोफॉर्म। आपको पता है क्लोरोफॉर्म को ना हमेशा डार्क बॉटल्स में रखना चाहिए, गहरे रंग की बोतलों में। वो लोग तो पता नहीं सफेद बोतल या ट्रांसपेरेंट में रख लेते हैं, लेकिन हमें इसको गहरे रंग की बोतल में रखना चाहिए। क्यों? एक्चुअल में ये जो क्लोरोफॉर्म है, जब ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, जब ये क्लोरोफॉर्म लाइट के संपर्क में आता है तो ये ना विखंडन करता है और ये बन जाता है विषाक्त। क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है, पॉक्सजीन क्रिएट कर लेता है ये, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे मैम? ये ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम है, जिस रूप में हम इसको जानते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्या है क्लोरोफॉर्म? बाकी नाम तो आपको पता ही है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, जिसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हो। इथाइल क्लोराइड क्या है? कि आपने एक इथीन के साथ क्या कर दिया? क्लोरीन लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते ही हो, ये क्या है? ये आपके पेट में से निकलने वाला एसिड है, ठीक है, HCl। नेक्स्ट चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? जल्दी से आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चों के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जल्दी से बताओ। चलो हाँ, ये बैंड होता है बेटा, इसीलिए बैंड है नवीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये विषाक्त हो जाता है, इसलिए ना तो इसको धूप में रखा जाता है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, आधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन बना देता है। और दूसरी चीज ये है कि ये वैसे भी आपके टिश्यूज को काफी डैमेज करता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और क्लास को शेयर करना आप लोगों का काम है, ठीक है। बच्चों को पता अपने आप लग जाना चाहिए कि हाँ भैया साइंस की क्लासेस रीस्टार्ट हो चुकी हैं, अब आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, मैं भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। जीडी के लिए भी कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो क्लास है इसके अंदर क्या है, हम एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एसएससी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए ल्यूमिनस रिफ्लेक्शन, चलो जी बहुत बढ़िया।
जिन जिन बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट किया, आप जरा चीजें समझिए। पहली चीज, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है, एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर आप बढ़िया शीशे में अपनी चेहरा देख रहे हो और बढ़िया अपनी दाढ़ी वाड़ी बना सकते हैं, लड़के और लड़कियां अपना मेकअप कर सकती हैं बिना किसी समस्या के, एकदम बढ़िया सटीक मेकअप आए। यहाँ से लड़कों की कनौती जो है गड़बड़ाएगी नहीं, अगर आप ऐसी ऐसी रिफ्लेक्शन में देख रहे होगे तो, ठीक है। दूसरा आ जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होती है उसमें क्या है, उसमें एक से ज्यादा इमेजेस आपको दिख रही है। जैसे आप कभी दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल ले आते हो, एक दूसरे के आमने सामने ले आते हो और उसके बीच में कोई वस्तु आपने रख दी, तो उसके मल्टीपल इमेजेस में आपको दिखती हैं, बहुत सारी इमेजेस दिखे देंगे, नॉट गुड फॉर। नेक्स्ट देखिए ल्यूमिनस रिफ्लेक्शन। ऐसा ऐसा जो है ये आपका यहाँ पे कुछ आता ही नहीं है। ल्यूमिनस का मतलब है चमक, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वहां पे परावर्तन हो रहा है, तो चमकदार परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। लास्ट आ जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मैम ये भी कुछ होता है क्या? यस, जब जाते हो किसी तालाब के पास और तालाब में देखते हो, अरे मेरी तो इमेज बनी हुई है, क्या उसमें देख के अपनी दाढ़ी बना सकते हो? क्या उसमें कनौती एकदम परफेक्ट आएगी? नहीं। क्या उसमें आईलाइनर लगा सकती हो? नहीं मैडम, बिगड़ जाएगी आईलाइनर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो धुंधली बनती है, इसमें धुंधली इमेज बनती है और यहाँ पे बनती है एकदम बढ़िया परफेक्ट इमेज। अब कहोगे मैम ये होता क्यों है? देखो बहुत ध्यान से होता क्यों है। तो ये क्या है? आपका शीशा है। ये शीशे पे आई लाइट रे, लाइट रे जिस तरीके से आ रही है, जिस एंगल से आ रही है, तीन लाइट रेज, ठीक है, वो उसी एंगल से टकरा के वापस निकल गई, पैरेलल आई, पैरेलल वापस निकल गई, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे परफेक्ट इमेज बनी। दूसरी तरफ देखो ये उबड़ खाबड़ जगह है, इस उबड़ खाबड़ जगह में लाइट रे आई तो ऐसे, लेकिन बेचारी निकलने के लिए उनके अलग अलग रास्ते हो गए, ये एक परफेक्ट दिशा में वापस नहीं रिफ्लेक्ट हुई, इनका परावर्तन वापस एक परफेक्ट एंगल से नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ पे धुंधली छवि आपको दिखाई देगी, धुंधली इमेज आपको दिखाई देगी और यहाँ पे परफेक्ट इमेज आपको दिखाई देती है। तो अब यहाँ देखो सवाल क्या पूछ रहा है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला प्रतिबिंबन या परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक, चश्मे पे जो आपकी लाइट आ जाती है और उसकी वजह से फिर आपके यहाँ मस्तिष्क में जो इमेज बन रही है एकदम बढ़िया, वो किसके कारण है? तो आप क्या कहेंगे? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्लियर है? अब सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर इसमें? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? अब देखो ये अपना समंदर है, ठीक है, इस समुंदर की ये क्या है, ये इसकी ऊपरी लेयर है और यहाँ पे बहुत सारा लवण होता है। भाई समंदर के पानी के अंदर आपको लवण मिलेगा, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मैं सतह के लवण की बात करूं, सतह के ऊपर कितना सॉल्ट है उसकी बात करूं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? फटाफट से आंसर कीजिए इसका। ओके तनुप्रिया, एस के, अतलिया, पीयूष सिंह, जल्दी से बताएंगे। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, अच्छा बहुत बढ़िया, ऑप्शन के साथ बताओ, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज में तो दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे, बल्कि तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको यहाँ पे डिक्रीज में, अच्छा दो डिक्रीज दिखाई दे रहे, जल्दी से बताइए। हाँ जी, ओके ओके, सी है क्या, डी है क्या, चलो कंफ्यूजन है। देखो बहुत ध्यान से, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। अब देखो बर्फ बनी या वाष्पीकरण हुई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो आपका लवण है वो बढ़ गया। अब सोचो ये पानी था, ये पानी जम गया, अब जब पानी जमेगा क्या वहां पे बर्फ में वो नमक भी जमता है? कहते हैं ना जो हिमबर्ग है, जो वो आपके होते हैं आइसबर्ग्स होते हैं, जिनको हिमखंड बोलते हैं, वो शुद्ध पानी के बने होते हैं, प्योर वाटर होता है ना। तो इसका मतलब मैम जब ये बर्फ बनेगी तो इसमें सिर्फ पानी पानी आएगा, इसमें नमक यही रह जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, अब भाप बनी, ठीक है, भाप बनी और भाप बन के ये जो पानी है ये ऊपर उड़ गया, जब पानी ऊपर उड़ गया क्या नमक भी उड़ेगा? नहीं मैडम, नमक तो यही रह गया। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे नमक घटाया था उनका तो आंसर हो गया गलत, क्यों?
क्योंकि जब भाप बनी तब भी पानी नीचे ही रह गया, पानी वो तब भी नमक नीचे ही रह गया, पानी ऊपर चला गया तो ऊपर की तल में नमक बढ़ गया। जब बर्फ बनी तब भी पानी जो है वो जमा और नमक वहीं रह गया। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जो बच्चे सी और डी गड़बड़ कर रहे थे उनका आंसर ही गलत है। ठीक है, नीचे देखो, वर्षण प्रक्रिया से बढ़ जाता है। पानी अगर बरसेगा तो उसमें बढ़ेगा कैसे नमक? फिर तो पानी ज्यादा मिल गया, सिंपल सी चीज है ना। एक गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने 3 चम्मच क्या डाल दिया? 3 चम्मच नमक डाला। ठीक है, बाकी आपने इसमें इतना पानी डाल दिया। अब आप कह रहे हो यार मैम ये तो कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। मैं कहूंगी थोड़ा पानी डाल लो, क्या होगा? इसका कड़वापन कम हो जाएगा, है ना। वही सेम चीज हुई, बारिश आई, कड़वापन कम कर दिया, नमकीन जो है इसका नमकीन पना जो है वो कम हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, बढ़ नहीं सकता। डिक्रीजेस बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। पहली चीज तो ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये कथन ही गलत है, बाकी चलो फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन से डिक्रीज होगा। हवा से वो पानी से भाप बन गई, नमक तो वहीं रह गया तो वो तो बढ़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। यहाँ देखो, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल हानि से घट जाता है। तो अगर जल की हानि हो रही है, नमक तो वहीं रह जाएगा, तो अगेन ये बढ़ जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत। अगर दिमाग से क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा इसमें साइंस का इतना कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा था। ये अगर आपने जनरल बेसिक तरीके से भी सोचा होता ना, आप इसका आंसर सही कर देते। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको पहले पढ़ाना है एक चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। उसके अंदर फिर मैं आपको सीलम वगैरह बताऊंगी कि क्या होता है गुहा, कौन होते हैं सीलोमेट्स, कौन होते हैं असीलोमेट्स। उसके बाद इस क्वेश्चन को कराऊंगी तो आप लोग खुद उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ठीक है, अभी तो मैं इजी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जिनको आप जनरल बेसिस पे पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, अभी मैं टफ क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? अपन लोग बहुत ठंडे इलाके में चले गए, ठीक है, तो वहां पे हमारे शरीर के अंदर जितना भी तापमान है, मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई की प्रक्रिया, वो कैसे काम कर रही होगी, आपको ये बताना है। पीयूष, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे बच्चा? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे ये बताओ। अनुप्रिया, ओके। चेतना मोर, नवीन, फोर्थ ऑप्शन। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का देखो आंसर। ठंडे तापमान में जा रहे हैं, आप सोचिए जब हम ठंडे तापमान में जाते हैं, मान लीजिए हम पहाड़ों पे चले गए, वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रेशर हो जाएगा कम। ठीक है, वहां पे प्रेशर क्या होता है? वहां का कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, हमारे हीमोग्लोबिन को ना बेचारे को ढूंढना पड़ेगा, अरे कोई ऑक्सीजन मिल जाओ मुझे, सेल को पहुंचाना है ना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो हमारे हीमोग्लोबिन को एक एक ऑक्सीजन को हंट करना पड़ रहा है, शिकार करना पड़ रहा है एक एक ऑक्सीजन को, तो वो पकड़ के लेके आ रहा है। एक हीमोग्लोबिन नॉर्मली 4 ऑक्सीजन पकड़ के ले जाता है अपने साथ, लेकिन अब बेचारे इस हीमोग्लोबिन को क्या नहीं मिल रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहे, तो ये एक एक कोई पकड़ के लेके जा रहा है, समझे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन की डेंसिटी, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, इसकी वजह से अब क्या होगा, आपके शरीर में सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आप ये सोचिए कि मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे 10 मछलियां पकड़नी है, लेकिन जो तालाब है वो तालाब के अंदर मछलियां बहुत कम है, तो मुझे नंबर ऑफ रिपीटेशंस, क्योंकि एक बार मैंने जाल फेंका एक मछली आई, दूसरी बार जाल फेंचा फिर से एक ही मछली आई, तीसरी बार फेंका फिर एक मछली आई, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे 10 बार जाल फेंकना पड़ेगा तब मैं 10 मछली पकड़ पाऊंगी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे तालाब में होती जहां पे मैं एक बार जाल फेंकती 4 मछलियां एक साथ आ जाती, दूसरी बार फेंकती फिर से 4 या 2 आ गई, है ना, तो उस वाले में मुझे नंबर ऑफ जाल कम फेंकने पड़ते। अब आप वहां जाल को समझिए, हीमोग्लोबिन, तो जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ेगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? जब आप अपना आरबीसी बढ़ाओगे,
जब आप अपना आरबीसी बढ़ाओगे, ठीक है, तो आरबीसी बढ़ाने बढ़ाओगे जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ा, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऊपर बेचारे की कम हो चुकी है, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर बना रहेगा, समझे। तो अब देखो ऐसा वाला ऑप्शन हमें कहां दिखता है, पहला देखो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम कर देंगे। अच्छा देखो अगर आरबीसी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म, तो पहला ऑप्शन हमने इतना पढ़ के ही खत्म कर दिया कि नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा देखो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करो, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करो, यानी कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन पकड़ने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। और श्वास दर में वृद्धि करके, अब हम सांस भी बार बार लेंगे, ज्यादा लेंगे, ठंड वाले इलाके में कभी जाइएगा वहां पे क्या होगा, ये वाली प्रोसेस ना बढ़ जाती है। सर्दियों में हम ज्यादा श्वसन करते हैं, श्वास दर हमारी बढ़ जाती है, ब्रीद रेट नॉर्मली हम एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब हम ठंडे इलाकों में जाते हैं हमारा ये श्वसन दर 12 से 16 से बढ़ जाता है, 20 तक जा सकता है, ठीक है। मतलब वैसे नॉर्मली 16 से 18 हो जाता है, लेकिन 20 तक भी जा सकता है, लेकिन आप 16 से 18 देंगे। तो यहाँ पे हम ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं, हीमोग्लोबिन की आबंधता कम कर देते हैं और आरबीसी को बढ़ा देते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इतने में कोई गड़बड़ लगी, क्योंकि अगर हाँ, अब मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ आप लोगों को है हलवा क्वेश्चन करने की आदत, तो बेटा इसी वजह से मैंने ना नीचे यहाँ पे लिख रखा है कौन से पेपर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप लोग बस वही सोच रहे हो कि सिर्फ हलवा क्वेश्चंस करेंगे और अपन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो सॉरी टू से अब वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देयर इज कॉम्पिटिटिव नेचर इन एसएससी नाउ, ठीक है। अब एसएससी में सच्ची में वो बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, समझ के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो देखो आगे क्या है। शीत निष्क्रियता, हाइबरनेटिंग, हाइबरनेटिंग क्या होता है, कुंभकर्ण बनना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप जो है शीत में ठंडी में लंबे समय के लिए सो जाओ, कि आज सोयो 6 महीने बाद उठेंगे आराम से, कि तब तक ठंडी निकल जाएगी। खैर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, मेंढक जो होता है वो इस तरीके का काम करता है, और उस दौरान वो सांस ना अपनी त्वचा से लेता है, ठीक है, उससे उसकी एनर्जी बहुत बचती है। लास्ट देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन वृद्धि करके जैसे ये काम किया, वैसे ही आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लड कैंसर की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक जी। स्टेटमेंट एलिमिनेशन अगर आपने करना सीख लिया ना, तब भी आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये तो हलवा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, देखो जरा। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के उत्तकों की मरम्मत करने और उनको मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी बालक ऐसे हैं जो जाते हैं जिम, तो जिम जाने के बाद जब आ रहे होते हो ना, तो जिम वाले भैया क्या कहते हैं कि भाई जाके जो है ना एक बार प्रोटीन जरूर खाइए, प्रोटीन डाइट खानी है। क्यों खानी है प्रोटीन डाइट, जितना जिम किया है ना उस दौरान हुआ था कुछ मसल्स में थकान, सॉरी मसल्स में नुकसान, ठीक है। नुकसान का मतलब मसल थोड़ी सी, कोई सेल जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया, अब उसको रिपेयर भी तो करना है ना, उसकी जो दीवार टूट गई है उस दीवार को दोबारा से बनाना है, दीवार का मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन टूट गई है उसको दोबारा से क्रिएट करना है, तो ये काम किसका है, प्रोटीन का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन आंसर हो जाता है, और प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड्स से, ठीक है, अमीनो एसिड्स बोलते हैं या अमीनो अम्ल बोल देते हैं इससे, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हलवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करती है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन कर दिया है, और इतना मैं सही बता रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए ना, मैंने एग्जैक्टली ये जो पेपर है ना ये हिंदी में ढूंढा था कि भैया हिंदी में मिले ना मुझे क्वेश्चन पेपर, तब फायदा हो मैं एग्जैक्ट टर्म्स आप लोगों को दिखा पाऊं। तो देखो क्या है, कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणु, मतलब जो भी आपके इन्फेक्टिंग वायरसेस होती हैं उससे होती है, और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की, मतलब कई बार ये नॉन इन्फ्लेमेटरी भी हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज हो जरूरी नहीं है, कभी कभार नॉन कम्युनिकेबल भी हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे यकृत की जो सूजन है
आपके लीवर में परेशानी आ गई। किसमें? लीवर में। लीवर को क्या कहते हो? हिपैटिक ऑर्गन कहते हो। क्या कहते हो? हिपैटिक ऑर्गन कहते हो, हिपैटिक अंग कहते हो। तो जब हिपैटिक अंग में क्या हो जाए? सूजन आ जाए, आइसिस हो जाए, ठीक है। हिपैटिक अंग में क्या हो जाए? आइसिस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ध्यान रखोगे तो हेपेटाइटिस क्या हो जाता है? ये इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे लीवर के अंदर बाय डिफॉल्ट ही हमने कोई गड़बड़ी कर दी, ठीक है, हमारे शरीर ने कुछ रिएक्शन कर दिया, तब भी हो सकता है, या कोई वायरस आ जाए तब भी ये हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी ई कई प्रकार का ये होता है। डायबिटीज, ये आपके शरीर के अंदर की डिफेक्ट के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस, ये बाहर से बैक्टीरिया जब आएगा तभी होगा। निमोनिया, जब बाहर से एक बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा तभी होगा। तो इनमें से सिर्फ ये है जो आपका दो कारणों से हो सकता है, बाहर से कोई वायरस आए तब हो जाए, या आपके शरीर के अंदर आपने कुछ गड़बड़ी कर ली तब हो सकता है। तो आंसर इसमें हेपेटाइटिस हो जाता है। अब लो जी, कहते हो ना मैम फिजिक्स पेपर में नहीं आती, और स्पेशल मोशन वाले चैप्टर को तो ऐसे स्किप करके जाते हो कि नहीं मैडम मोशन थोड़ी आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन पूछता है। लो जी, एसएससी ने पूछ ली, क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताओ। दिए गए समीकरण का संबंध वर्णन करता है, बताइए ये जो दिया गया समीकरण है, जो इक्वेशन है, किस चीज के बारे में बताता है? इक्वेशन है s equals to ut plus half at square, जहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है, विस्थापन है, ठीक है। u क्या है बच्चे? ये है आपकी शुरुआती वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम है, यानी कि समय है। वी क्या, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है। अब आप लोग इसका आंसर कीजिए। इतने मेरे को आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी कि जैसे आप लोग कई बार ये परेशान हो जाते हो ना कि मैम हमें चीजें तो पता है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको खाली पढ़ना चाहें, मतलब हमारे को सिर्फ नोट्स नोट चाहिए, तो हम उसको कैसे तैयारी कर सकते हैं? या फिर अगर हम बात करें अपने एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की, तो उसके मिड नोट्स किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को जरा समझा देती हूँ कि किस तरीके से काम हो सकता है। देखो, अपन लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास एक एसएससी सीएचएसएल 2022 क्लास नोट्स का कंप्लीट पैक है, ठीक है। ये जो कंप्लीट पैक है, इसमें क्या होगा? इसके अंदर आपके 9 मॉड्यूल्स हैं। 9 मॉड्यूल्स को एक तरह से बुक्स बोल सकती हूँ, जिसके अंदर आपका फुल डिटेल के अंदर ना हर सब्जेक्ट को विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखा है। यहाँ पे दो बुक्स जो है मैथ्स की मिलेंगी, 2 इंग्लिश की मिलेंगी, 2 रीजनिंग की मिलेंगी, टोटल कितनी हो गई? 6। और 3 बुक्स मिलेंगी जिसमें आपकी कंप्लीट जीके जीएस जो है आपकी कवर की जाएगी। इसके अंदर आपका पूरा डिटेल होगा कौन से टॉपिक किस मॉड्यूल में कवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे, ये आपका जो है प्रॉपर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है आपका, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 999 रुपीज रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा? CHSL60। तो जैसे ही आप CHSL60 कोड को अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? ये जो बुक्स हैं ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, देख लेते हैं बेटे क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज x equals to ut plus half at square। अब आप देखो इक्वल के उस तरफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है मैडम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस चीज को दर्शा रहा है? पोजीशन को दर्शा रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पोजीशन को दर्शा रहा होगा, स्थिति को दर्शा रहा होगा। दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है? अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहूं, मैं क्या निकालूंगी? मैं कहूंगी कि मैडम ऐसे लिख लेते हैं ना इसको, s equals to t गुणा u plus half at, ऐसे लिख ले। तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या आ गया? टाइम। तो जो चीज कॉमन आ गई वो लिख दो। क्या आ गया? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये क्या बताएगा आपको? पोजीशन टाइम ग्राफ बताएगा। जो बच्चा वीटी ग्राफ बताया ना, वेलोसिटी टाइम, उनका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। रीजन बताती हूँ। वीटी ग्राफ जो है ना, वो पता है कौन दर्शाता है? वीटी ग्राफ को दर्शाता है आपका v माइनस यू अपॉन टी बराबर ए।
ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो v माइनस यू बराबर ए टी। तो यहाँ पे ये रहा आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, और इनकी वजह से आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो ये है vt ग्राफ। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपके वेलोसिटी टाइम को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे तो। और यहाँ पे ध्यान रखना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पोजिशन और टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चल और लास्ट अगर मैं थर्ड वाली की बात करूं ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। तो यहाँ पे ये रहा वेलोसिटी और ये रहा आपका पोजीशन। तो जो ये वाला आपका इक्वेशन है ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ को दर्शा, ठीक जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे चले। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे हमें कभी भी इन इक्वेशन को बताना है कौन किसको दर्शा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगेन वन लाइनर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। एसिडिक एसिड, पहली चीज तो एसिडिक एसिड है क्या मैम, CH3COOH, ठीक है, क्या है CH3COOH हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं या फिर अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं, क्या हो जाता है मैम, दो कार्बन है, इथेन, ठीक है, और साथ साथ यहाँ एसिडिक मतलब एसिड लगा हुआ, तो इसको इथेनोइक कर देंगे और साथ में लगा देंगे एसिड, इसी को कहते हैं एसिडिक एसिड। ये एसिडिक एसिड अगर 100% शुद्ध रहे, तो ये जितनी सर्दी आपने पढ़वा रखी है ना इस टाइम पे, ठीक है, जितनी सर्दी इस समय पे पड़ रही है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये जम जाता है। 100% इथेनोइक एसिड जो है सर्दी में जम जाता है, और इसीलिए हम इसको सर्दी में जम जाएगा, और इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह देते हैं। पेपर का पूछा गया प्रश्न, ठीक है, ये पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको क्यों कहा जाता है, तब कह देना कि सर्दी में जम जाएगा अगर 100% शुद्ध होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि मैडम फिर ये बताओ कि इसका काम क्या होता है, हमने तो विनेगर विनेगर पढ़ा है। तो देखो, अगर आप इसको 5 से 8% लो और पानी में डाल दो, बाकी क्या कर दो, बाकी इसमें मिला दो पानी, तो वो बन क्या जाता है, वो बन जाता है सिरका, यानी कि विनेगर बन जाता है। क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है, ध्यान रखोगे। अच्छा, अब इसकी खोज किसने करी मैडम, ये तो बताया नहीं, सब कुछ बता दिया आपने, तो ध्यान रखिएगा कि कोलबे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार क्या किया था, बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, कोलबे ने बनाया था, ध्यान रखोगे। तो ये जो आपका इथेनोइक एसिड है, जैसे सिरका बना, तो आप ऐसे किसी को बोलोगे, ओए सिरका खोल बे, ठीक है, ऐसे करके याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि सिरके को किसने बनाया था, कोलबे ने बनाया था, ठीक है, तो सिरका खोल बे, ठीक। चले आगे जी, नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताओ, फ्यूमिगेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फ्लेयर्स, जब हम जो है रोशनी जलाते हैं उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बताइए। नहीं बेटा, ऐप वाली क्लासेस चलेगी, BS4 जो है बच्चे, ऐप की क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, ये YT वाली क्लास है, ये YT पे चलेगी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फ्यूमिगेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, इथेनोइक एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन्होंने ऑप्शन देके ना सब कुछ इजी कर दिया। देखो, अगर मैं इन तीनों पदार्थों की बात करूं, ये तीनों ही पदार्थ क्या है, ये किसी भी चीज को मारने का काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको करना क्या है, हम धुआं क्यों करेंगे अपने धान के खेत में या अनाज के खेत में, क्यों करेंगे धुआं, क्योंकि हम लोगों को वहां पे कीड़ों को आने से मारना है, इंसेक्ट्स को मारना है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे हमको ऐसा धुआं जलाना है जिससे वो कीड़े मरे। तो फॉस्फाइड जो होता है, चाहे आप जिंक का ले लीजिए, चाहे आप एल्यूमिनियम का ले लीजिए, वो जहर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को जब आप जलाओगे तो वो क्या होगा, वो जहर के रूप में कार्य करेगा उनके लिए। संजय गोस्वामी का आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइट है, वाह, नाइट्रोजन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, ठीक है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में
और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है? कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है सवाल? क्या कहोगे आप? कहेंगे कि मैडम देखो, ये जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन, ये होता है NH3, ठीक है? ये हेबर्स प्रोसेस जैसी प्रक्रियाओं में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम अमोनिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम कह देते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या है बच्चे? अमोनिया है। और इसी अमोनिया को हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आगे जो है रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए, आज के टाइम पे प्रशीतक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? पुराने जमाने में तो हम क्या करते थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करते थे, फ्रियोन जिनको कहा जाता था। लेकिन आजकल हम लोग प्रशीतकों में अमोनियम कंपाउंड्स का या अमोनिया के कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? कि भैया आप जो है रिसर्च फील्ड में आ गए हो, आप जो है किसी टिश्यू को या किसी सेल का अध्ययन कर रहे हो, और जब आप किसी सेल या टिश्यू का अध्ययन कर रहे हो, आपने उसमें एक बायोलॉजिकल डाई डाली। अब बायोलॉजिकल डाई का मतलब है आपने कोई भी जैविक उत्पाद डाला, ठीक है? और उससे वो जो आपका कोशिका है वो लाल लाल रंग की हो गई, ठीक है? तो आप हमको बताएं इनमें से किसके कारण वो हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आप इनमें से एक ही नाम ऐसा देखोगे जो केमिकल कंपाउंड नहीं है। तो जिस भी बच्चे ने इंडिकेटर्स पढ़ा होगा, इंडिकेटर्स मतलब एसिड्स एंड बेसिस वाले चैप्टर में इंडिकेटर्स को पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर यूं कर देगा, यूं। जल्दी से बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में क्या हम क्रिजोल रेड का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैडम, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड नहीं है। फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैडम, ये भी बायोलॉजिकल कंपाउंड नहीं है। क्या मिथाइल और ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैडम, इसको भी तो केमिस्ट्री लैब में ही बनाया है, तो कैसे बायोलॉजिकल कंपाउंड कह देंगे? लेकिन जो सेफ्रोनिन होता है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका नेचुरली रेड कलर देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में ये सेफ्रोनिन का इस्तेमाल किया गया है, और बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगेन हलवा क्वेश्चन। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा इतने इजी क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है एक और चीज, कि ये जो हलवा क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे फिर भी आंसर गलत करके आए। क्यों करके आए आंसर गलत? क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से ना क्वेश्चंस पढ़े नहीं, या फिर जब आप लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपने ढंग से काम किया, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज को देखिएगा बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं पीयूष सिंह बेटा, सब चीजें आ जाएंगी, आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, ठीक है? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, किस वर्ष में? अब यहाँ पे ईयर पूछा है, नॉर्मली ईयर स्किप करके जाते हो ना, तो चलो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, साथ साथ मुझे बताइए कि हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल कौन से वर्ष में आया था? हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल कौन से वर्ष में आया था, ठीक है? तो देखो, किस वर्ष में दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती हो देती हैं? क्वेश्चन समझ रहे? इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी पूरी दिमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल की, ठीक है? कि उसने ऐसा ऐसा कहा था, इनकेस अगर आप मेंडलीव का नाम भूल गए हो तो, ठीक है? अब इन्होंने पूछ लिया कि नाम वाम तो चलो तुम भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया है, अब तुम सन बता दो बस। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? 1869 के अंदर क्या किया था इन्होंने, इस चीज को खोजा था, ठीक है? क्या 1869 में दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर जो है अलग अलग इन्होंने अपने अपने पीरियोडिक टेबल लेके आए। जो लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल है उसको सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और वो भी मासेस के ऊपर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। ध्यान रखोगे? नेक्स्ट देखो ये जो बच्चा है ना, जो कह रहा है मैम 1900 समथिंग आगे याद नहीं आ रहा, तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब आगे से ध्यान रखना, 1913 के अंदर क्या हुआ था? हेनरी मोजले ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। कब दिया था बेटा? 1913 के अंदर उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, जब अपने यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है? क्या मैंने वो सही
सन बताया है, आप लोग मुझे कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। फिजिक्स को जो जो बच्चे जो हैं थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे एसएससी के, मैंने अभी सिर्फ आपको 2 दिन के पेपर्स कराए हैं, अभी तक मैंने 4 जून कराया और दूसरा मैं करा रही हूँ आपको 6 जून के क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें ही देख लो फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करो, फटाफट फटाफट बताओ। चलो हाँ, वेरी गुड तनु प्रिया, बिल्कुल सही। 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अपना जलियांवाला बाग, तो जो बच्चे हैं ना जो हाथ जोड़े, हाँ 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 मैम हाँ, 13 13 गलत, ध्यान रखो बेटा। इस तरीके के ऐसे बाउंसर्स आते रहेंगे, फिर उनको डील करना आना चाहिए कि हाँ आप थोड़ा सा पीछे जाना है और फिर जाके शॉर्ट हिट करना है। ठीक है, वेरी गुड तनु प्रिया, डी डी डी। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह दोगे कि मैम यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो क्या हो जाएगा? मैम ओम्स लॉ होता है वी इक्वल्स टू आई आर, वीर है ना, वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, आई को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, तो ये देख लो वी बराबर ए इंटू ओम कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, काम खत्म। ठीक है, जो बच्चे डी वाले हैं तालियां अपने लिए कर लीजिए एक बार, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, ये आपका वोल्टेज ये आपका करंट, जब वोल्टेज और करंट का यहाँ पे आप रिलेशन देखते हो तो आइडल टेम्परेचर पे, यानी कि जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है उस टाइम पे आपका वोल्टेज के साथ साथ करंट के अंदर एक डायरेक्ट इंक्लिनेशन होता है, सीधा सीधा आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, वी इक्वल्स टू आई आर ही पढ़ा है, तो फिर आंसर 4 कैसे दिया है, आंसर 4 कैसे दिया है, यहाँ पे तो कुछ बटे में भी नहीं है जो मैं सोच लूं कि हाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने की कगार पर है, जल्दी से बताओ। चलो अब भैया ये जो पादप है ना, इसी फोटो तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और जो होंगे गोरखपुर साइड के बच्चे वो इसको पहचान जाएंगे, ठीक है, या जो होंगे बिहार साइड के बच्चे वो इसको पहचान जाएंगे और कहेंगे कि मैडम इसमें इससे तो हमारे यहाँ पे ना वो बनती है, मदिरा बनती है। ठीक है, अगर आप जाते हैं साउथ इंडिया में, वहां पे ये प्लांट आपको काफी ज्यादा मिलता है, और उसी प्लांट की यहाँ पे बात करी जा रही है, एंडेमिक है भारत में, मतलब आप ये मानिए ये स्पेशली भारत में मिलता है और इसकी बहुत ही कम स्पीशीज बची है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड पौधा है। और आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बहुत मीठा होता है, ठीक है, और इसको कहते हैं हम हिंदी में महुआ, नाम अब महुआ से ही देख लो कौन सा इसमें से मीठा है, महुआ है, कौन सा हो सकता है, मधुका। ठीक है, क्या है ये, बहुत मीठा है तो मधुका है ये, क्या है ये, मधुका हो जाता है, मधुका इनसिग्निस, क्या है ये, मधुका इनसिग्निस, बिल्कुल सही महुआ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बच्चे, ये आपका मधुका इनसिग्निस हो जाता है, काफी ज्यादा मीठा होता है, और जब ये सूख जाता है आपको किशमिश जैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, किशमिश जैसा ये आप लोगों को दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ओके, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति की कृति है, तो देखिए फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपिया, जो 1687 में पब्लिश हुई थी, कौन थे इसके रचयिता, जिनको हम कहते हैं कि भैया इन्होंने सबसे ज्यादा लॉस दिए हैं और इनके सर के ऊपर एप्पल गिरता है तो ये सोच में पड़ जाते हैं एप्पल नीचे ही क्यों पड़ा है, और इनका नाम क्या है, सर आइजेक न्यूटन, क्या नाम है इनका, नाम सर आइजेक न्यूटन हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे चले, तो ये तो हलवा सवाल था, सिर्फ किताब का नाम बताना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती हैं? बताइए। ओहो, बहुत ही सही क्वेश्चन है, अब जब हम पढ़ाते हैं ना आपको तब इसका आंसर भी बताते हैं, पर आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हो, तो अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप अपने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हो और आप देखते हो कि मैम आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है कॉनकेव, बाई कॉनकेव,
कुछ इस तरीके की आरबीसी की शेप होती है। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टोमेटा के इर्द गिर्द इस तरीके से गार्ड कर रहे होते हैं और ये सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। तंत्रिकाएं जो होती है इनका भी एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, इनका भी एक निश्चित आकार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इनका भी एक निश्चित आकार आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाती है कि भाई इन तीनों के तो निश्चित आकार हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लेकिन जब भी हम बात करेंगे किस चीज की, अपने डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होगा, ये अनाकार हो जाएंगी, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होगा, ठीक है, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगी। तो इनमें से आंसर क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी जो है अपनी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो क्या है, वो आपकी उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, ओलियोगम रेजिन को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ओलियोगम रेजिन जिसको एसाफोटिडा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं, फेरुला के तने के सूखे लेटेक्स से, ठीक है, जो फेरुला है उसके तने के सूखे लेटेक्स से आप इसको निकाल सकते हो, आम के वृक्ष की जड़ों के सूखे लेटेक्स से, ठीक है, आम के वृक्ष से निकाल लेते हो, उसकी जो जड़ें हैं जड़ों में से या जो आप उसके सूखा जो पदार्थ है गम है उससे निकाल लोगे, तीसरा है केले की पत्तियों के सूखे लेटेक्स से, केले की पत्तियां जो है उसमें से क्या होगा, सूखा लेटेक्स निकलता है, और लास्ट आ जाता है फेरुला के मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से, बताइए ड्राइड लेटेक्स ऑफ राइजो रूट ऑफ फेरुला क्या आंसर कर देंगे, फेरुला के सूखे लेटेक्स से, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाए। अच्छा देखो, टू और थ्री रॉन्ग है, बाकी पता नहीं बेटा। देखो एक चीज देखिएगा कि ये जो आपका हींग है ना, जो बहुत ही ज्यादा एकदम क्या बोलते हैं, सुगंध होती है जिसके अंदर, वो क्या है बच्चा, वह आपका जड़ों से निकलता है, ठीक है, कहां से निकलता है, जड़ों के अंदर से जो गोंद है ना, उस गोंद में से आपको क्या मिलेगा, वो जो लेटेक्स है उसमें से आपको क्या मिल रहा है, ये हींग मिलता है, एसाफोटिडा मिलता है, ठीक जी। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है, जो अगार होता है वो किस शैवाल से प्राप्त होता है, जल्दी से मुझको बताइए, जल्दी से मुझको बताइए, अगार किससे प्राप्त होता है, क्या आंसर करोगे, अगार किससे प्राप्त हो रहा है, ग्रैसिलेरिया से, सारगसम से, अलाइन से, या फिर क्लोरेला से। हाँ, रूट में कट लगा के बिल्कुल सही, वहां से गम निकाला जाएगा और उसको सुखा के फिर उससे हींग डेवलप करी जाती है, ठीक है, हींग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखो नीचे आपको क्या मिल रहा है, नीचे आपको एक प्रकार का शैवाल मिल रहा है जिसको हम ग्रैसिलेरिया कहते हैं, ग्रैसिलेरिया कहते हैं, और ये जो ग्रैसिलेरिया होता है इसी से हम क्या उत्पन्न करते हैं, अगार जल को उत्पन्न करते हैं, किससे, ग्रैसिलेरिया से ही हम अगार जल को उत्पन्न करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान कीजिए। दो बिंदु है उनके बीच में आपको क्या करना है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना है, तो जल्दी से बताइए सही सूत्र कौन सा हो जाएगा, सही सूत्र कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। वन 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 डी 20 का भी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें अपने एक चार्ज को, एक चार्ज है जो क्यू है, उसको ए से बी तक लेके जाने में कितना हमको कार्य करना पड़ रहा है, वही क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हो जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि इसे एक चार्ज को लाने के लिए आपने कितना कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V क्या है, V अपॉन वर्क अपॉन
चार्ज, तो भी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. कितने बच्चों ने वन आंसर किया, उनका आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है, आंसर इज वन. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है. जो मॉस की प्रजातियां हैं उनका उपयोग हम ईंधन के रूप में क्यों कर रहे हैं, जल्दी से मुझको बताएंगे क्यों इसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं. लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए, ताकि ये हमको पीट, यानी कि लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो, कम ऊर्जा देगा, लेकिन ये क्या है, एक पीट प्रदान देगा, मतलब एक बेकार प्रकार का कोयला है लेकिन लंबे समय तक चल पाता है. दूसरा है भूतापीय ऊर्जा में सहायता के लिए. तीसरा है ऊर्जा के लिए बाइटुमिनस प्रदान करने हेतु. चौथा है एक प्रकार का कोयला बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको देती हूँ होमवर्क में. ठीक है, ये क्या रहेगा आपका गृह कार्य रहेगा. नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ना इसका आंसर करना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. ठीक है, इस नहीं 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 जो जो भूत आप ही आंसर कर रहे हो उनको मैं बता देती हूँ बेटा आपका आंसर गलत है. थोड़ा सा और सोचिए आपको सही उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा सा और सोचेंगे आपको सही उत्तर मिल जाएगा. और अगर आप और डिटेल में ऐसे इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे SSC CHSL के विजयपथ बैच से. ठीक है, किससे जुड़ सकते हैं, विजयपथ बैच से, जहां पे क्या है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, क्लास PDF, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, ये सब चीजें यहाँ पे आंसर आ जाती, मतलब सब चीजें आपको मिल रही हैं. इसके साथ साथ आपको अगर मॉड्यूल भी लेना है तो आप जो है इन मॉड्यूल्स को भी ले सकते हैं. 1499 का आपका ये टोटल पूरा का पूरा मॉड्यूल के साथ मिल जाएगा ये सारे के सारे आपका बैच. और आप CHSL60 कोड को लगाएंगे तभी आपको 60% डिस्काउंट के बाद ये चीज ऐसे अवेलेबल होगी. ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आप खाली नोट्स लेना चाहते हैं तो खाली नोट्स आपको मिल जाएंगे 999 में. अगर आप खाली बैच को लेना चाहते हैं तो आप खाली बैच को ले सकते हैं 599 में. ठीक है, तो यदि आप ओनली बैच लेना चाहते हो तो वो मिलेगा आपको 599 में, और ओनली नोट्स मिलेंगे आपको 999 रुपीज. ठीक है, और अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आप देख लो यहाँ पे ये आपको मिलेगा 1499 का. ठीक है तनुप्रिया बेटा, धीरे धीरे सब लेके आएंगे. अभी कल का जो क्लास रहेगा उसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे. हफ्ते के अंदर 2 दिन हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बाकी जो अपने दिन बचेंगे उस दिन करेंगे हम टॉपिक वाइज चीजें. ठीक है, तो अब कल हम टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस करेंगे. और उससे पहले खैर मैं आप लोगों को एक अदर क्वेश्चन और दे दूं, तो यहाँ पे दो इस क्वेश्चन का आंसर दो. 1857 में भैया अपने यहाँ क्रांति चल रही थी, ये लोग खोज कर रहे हैं. तो 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिका कौन से हैं, जिन्होंने अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, और क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं. जल्दी से बताओ क्या खोजा गया था भैया. यहाँ पे सीधा पावर फैक्ट्रीज पूछा गया है. पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को. क्या माइटोकॉन्ड्रिया खोजा गया था आपका 1857 में. कालमेंडा जो है उन्होंने इसका नामकरण किया था, खोज करी थी ऑल्टमैन व कॉलिकर ने. ठीक है बच्चे, तो चलिए आई जस्ट होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा. जितने भी बच्चे हैं क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा. कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे आप लोगों से कल के लेक्चर में. दिस इज पूर्णिमा गार्ग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय.